हे दिस श्रुति खंडलवाल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके ई के 30 क्वेश्चंस डिस्कस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इसमें आपका पेडागोजी भी होगी और आपके जो ई में क्वेश्चंस आएंगे वो भी होंगे टोटल थर्टी क्वेश्चन जो आपके सीटेट पे आएंगे यहाँ पे हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका ये चलेगा बायलिंगुअल रहेगा तो या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप ही के काम की रिलेटेड चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ और टेलीग्राम से मुझसे जुड़ सकते हैं वहाँ पे डेली आपको ये अपडेट मिल जाएगी जैसे ही लेक्चरर्स लाइव होंगे ठीक है सो so यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से यहाँ पे आपको बोल रहा है बोल रखा है कि योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्ट एक्स आपका हाउस जो है वो एक्स लोकेशन पे है और जो स्कूल है वो वाई पे है सपोज मैं स्कूल ले लेती हूँ ये ये मेरा house है 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 पे 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 और ये y पे है, आ, y पे suppose कहीं पर भी y location पे वो होगा ठीक तो सबसे पहले वाई तक पहुंचने के लिए हमें आ, सबसे पहले जाना होगा अः थ्री किलोमीटर इन द नॉर्थ ठीक है तो थ्री किलोमीटर इन द नॉर्थ मैं यहां से जाऊंगी ये मेरा एक्स है तो मैं यहाँ से ऐसे जाती हूँ थ्री किलोमीटर ठीक है Why it is not working, एक minute. तो 12 चल हैं से ये सपोज सब, ये थ्री किलोमीटर नॉर्थ में मैं ऊपर की तरफ गई ठीक है मैं सबको बता देती हूँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है आ, तो यहाँ पर उसके बाद मेरे को फोर्थ किलोमीटर ईस्ट आपको ये तो पता होगा ये जो है आपका ये नॉर्थ है ये साउथ है ये वेस्ट है ये ईस्ट है यहाँ पे मैं पहले नॉर्थ में गई फिर उसके बाद मैं ईस्ट में गई ठीक है तो यहाँ से लेकर के ये x था मेरा सपोज मैंने यहाँ पे x कर लिया उधर से सटा करके ये मेरा x है यहाँ पे मैं y पे पहुंच गई ठीक है अब आपको बताना है मिनिमम डिस्टेंस कितना है तो मिनिमम डिस्टेंस तो ये होगा ठीक है क्योंकि हम मिनिमम डिस्टेंस तो वही डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं हम तो यहाँ पे ये यह आपका हाईपोटिन्यूस बन जाएगा ठीक है ये आपका राइट एंगल ये थ्री हो गया ये फोर हो गया तो ये आपका हाईपोटिन्यूस कितना हो गया ये आपको निकालना है तो ये आपका हो गया फाइव ठीक है 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 पाइथागोरस थ्योरम आपको आती ट्रिपलेट पता है, तो, थ्री, फोर, तो आप आराम से कर सकते हो अब किलोमीटर तो पता लग गया लेकिन ये पता करना है कौन सी डायरेक्शन में तो आपको पता है मैंने भी बताया नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट तो हमारा पूछा है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल एट वाइफ ये वाइफ हम हम इस लोकेशन पे खड़े हैं आपको मिनिमम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बतानी है आपके कहा की हाउस की ठीक है तो आपका हाउस कहाँ था इस लोकेशन पे एक्स पे ठीक है यहाँ पे ये इसको हटाओ यहां से और हमने x यहाँ पे लिया है ठीक है इधर था आपका तो आपको यहां पता ना है इस डायरेक्शन में जा रहा है कहीं ये तो आपका ये कहाँ होगा इससे ये इसको मार्क पॉइंट लो तो यहाँ से इससे हमें साउथ में जाना है और इस तरफ जाना होगा क्योंकि ये बीच में है तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा फाइव किलोमीटर साउथ वेस्ट ठीक है तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हिंदी वाले भी इसको एक बार देख सकते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं वैसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ करके आप फिर भी अच्छे से देख सकते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यहाँ पर आपको मैच करना है मैच द फॉलोइंग है तो गोवा कहाँ से मैच होगा आपको पता है गोवा जो होता है वो कहाँ से होता है इनमें से छोले भटूरे कोक स्नेक बॉइल टॉपियो करी सी फिश इन कोकोनट ऑयल फिश इन ये आपकी मस्टर्ड ऑयल ठीक है देखो कुछ चीजें ऐसी है जिनका एकदम एकदम वो है मतलब कि एकदम फिक्स्ड है ठीक है तो आपको जैसे कि पता है कि कश्मीर जो है उसका फिक्स्ड है कि यहाँ पे फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल ठीक है और आपको पता है हांगकांग में क्या होता है हांगकांग में हम कुक्ड स्नेक्स खाते हैं ठीक है तो अब आपको दो पता लग गए तो आप दोनों देख लो किस ऑप्शन में है आपको सबको देखने की भी जरूरत नहीं है तो डी का आपको टू मिलना चाहिए डी का टू दो जगह है ठीक है बी का टू है और आपका जो फर्स्ट है आपका नहीं सेकंड था बी का फाइव बी का फाइव तो बस आपको पता लग गया आपका ए ऑप्शन जो ये है फोर्थ ऑप्शन इसका एकदम सही है ठीक है फोर्थ ऑप्शन में आपका ए क्या है ए का फोर्थ है गोवा जो है उसमें सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल ठीक है और आपके कश्मीर में आपका ये पता है फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल और केरला में आपका कैसे खाते हैं आपको पता है बॉयल टोपियो का करी ठीक है यहाँ पे सी का इन्होंने हां बॉयल्ड ओपेगा विद करी और डी का जो तो आपको पता ही है कुक्स नेक्स्ट ठीक है तो आपका ऑप्शन आपको फोर्थ इसका एकदम सही आंसर मिल गया नेक्स्ट पे अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नीचे 63 क्वेश्चन है chilies are one of the most important spices used ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ आर कंट्री द स्पाइस बाई द ट्रेडर कमिंग फ्रॉम अब जो मिर्ची है हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण मसाला है ठीक है इस मसाले के व्यापारी कौन से देश से आए थे तो आपको ये बताना है अब पता है क्या ये एक चैप्टर है ईवीएस में तो वहां पर दो तीन चीजों के ना पूरा एक लिस्ट बन रखी है कि कौन सी चीज कहाँ से आई है तो आपको वो पूरा पता होना चाहिए फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो कहीं नोट करके लिख लो कि हमारी जो चिलीज है मिर्च है वो हमारी साउथ अमेरिका से आई है ठीक है इसको लिख करके रख लो ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है आपका साउथ अमेरिका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं नेबर स्टेट्स ऑफ गुजरात आर गुजरात के नेबर स्टेट्स कौन से हैं अब आपको मैप पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो भाई की uh, थोड़ा बहुत मैप आपके दिमाग में होना चाहिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैप थोड़ा बहुत रख लो ठीक है तो आपको पता है गुजरात किन से वो है गुजरात के पास राजस्थान है बिल्कुल सही है ठीक है महाराष्ट्र है बिल्कुल सही है ठीक है और क्या क्या है गुजरात के आसपास राजस्थान आ गया आपका महाराष्ट्र आ गया और क्या है और आपका मध्य प्रदेश है बिल्कुल बीच में है मध्य प्रदेश तो आपका ऑप्शन नंबर वन एकदम सही हो जाता है कि गुजरात के नेबरिंग स्टेट्स जो है वो राजस्थान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम द नेम ऑफ द बर्ड विच हैज आइज इन फ्रंट ऑफ हिस हेड ये इसका सबको तो पता है कि आउल है आउल की आंखें हमारे जैसी होती है एकदम हमारे सामने जो दो मोटी मोटी आंखें होती है वरना सबकी ये ये मैंने पिछले बार पिछले लेसन में ईवीएस की उसमें प्रीवियस ईयर में करवाया था और सेम क्वेश्चन आंसे रिपीट हुआ है ठीक है तो यहाँ पे आपको उसका आंसर पता है आउल है उनकी आंखें एकदम हमारे जैसे सामने होती है और आप बाकी बर्ड्स की देखोगे उनकी ऐसे होती है एक आंख यहाँ होगी एक आंख यहाँ होगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अ ग्रुप ऑफ थ्री बर्ड्स हुज एवरी मेंबर कैन सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट फोर टाइम्स एज फार एज ह्यूमन बीइंग्स कैन सी फ्रॉम टू डिस्टेंस मतलब इनकी आईज बहुत शार्प होती है ये इतने दूर का आराम से देख सकते हैं जितना हम टू मीटर्स पे देख सकते हैं ना उतना उतनी क्लैरिटी से ये उससे फोर टाइम्स दूर का देख सकते हैं तो आपको इनका एग्जाम्पल मतलब दूर से दिख जाना चाहिए तीन एक जैसे ये एक जैसे आप इनको कह भी सकते हो काफी इनके उसमें फीचर्स में तो ईगल काइट और वल्चर्स ठीक है ये 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 सारे के सारे वैसे भी नॉन वेजिटेरियन हैं बहुत ज्यादा उन सब चीजों को खाते हैं तो ईगल आपको याद रखने हैं कि आपका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका द अंडमान आइलैंड्स वर हिट बाय सुनामी इन दर नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंडमान आइलैंड्स जो था उनको एक आपका चैप्टर भी है इसमें ईवीएस में कि उनको कौन से ईयर में सुनामी ने हिट किया था तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 2004 में वो सुनामी आई थी जिसने इसको हिट किया था एंड निकोबार को ठीक है तो ये याद रखना और कंसिडर स्लॉथ के बारे में कुछ स्टेटमेंट है जो आपको कंसिडर करने के लिए बोला जा रहा है कि जो एक स्लॉथ होता है वो ट्वेंटी आवर्स अ डे स्लीवस होता है वाइल हैंगिंग अप साइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच ठीक है या फिर स्लोथ जो होता है वो लीव्स खाता है इट लीव्स द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स ठीक है इट हार्डली नीड Everything एल्स एनीथिंग एल्स मतलब कि वो जो पेड़ पे रहता है उसी की लीवस खाता है उसको और कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं होता है और या फिर स्लोथ लाइफ इज अबाउट ट्वेंटी ईयर्स एंड इन दैट टाइम इट कैन मूव ओनली अराउंड ओनली टू ट्री ट्रीज मतलब कि स्लॉथ के जो लाइफ uh, टाइम होता है लाइफ स्पैन होता है वो ट्वेंटी ईयर्स का होता है और उसमें वो सिर्फ एक या दो, दो ट्री पर ही मूव कर पाता है क्योंकि वो पड़े पड़े ही सारे, एक पेड़ की पहले सारी खा लेता है ठीक है मतलब ये लिखा हुआ है इसके हिसाब से अब आपको ये बताना है कि सच क्या है और गलत स्टेटमेंट क्या है तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता है इसमें से कौन सी है करेक्ट स्टेटमेंट है 68 की सेकंड बी ठीक है यहाँ पर एक ये सही बात है कि वो जिस पे रहता है ना उसी पे ही खाता है बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये मतलब यहाँ पे ये 20 आवर्स अ डे नहीं है यहाँ पे वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ट्री ब्रांच ये गलत लिख रखी है ठीक है स्टेटमेंट और यहाँ पे स्लोथ लाइफ इज अबाउट ट्वेंटी अराउंड ओनली टू ट्रीज ये भी स्टेटमेंट गलत है आपको मैं यहाँ पे आपका होमवर्क है ये आप मुझे बताओगे कि स्लॉथ का लाइफ स्पैन कितना है कमेंट करके बताओगे ठीक है क्योंकि कमेंट अगर आप करके जाओगे ना कमेंट तो आपको भी ये चीज हमेशा याद रहेगी कि स्लॉथ लाइफ टाइम कितना है लाइफ कि स्पैन कितना है स्लॉथ का और वो कितने आज एक दिन में सोता है ठीक है जिसका आंसर सही होगा मैं उसको पिन जरूर करूंगी ठीक है तो आप कॉमेंट जरूर करना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं टूरिस्ट अब एक टूरिस्ट है जिसने बोर्ड करी है ट्रेन बारह दस दो हजार इक्कीस को गांधी धाम से नगर कोयल के लिए अब जो ट्रेन है वो वहां से डिपार्ट कितने uh, like so, मतलब दस साढ़े दस साढ़े दस बजे निकली और साढ़े दस बजे पहुंच गई आपके यहाँ पे नगरकोयल और आफ्टर टू डेज मतलब दो दिन बाद पहुंची है ठीक है तो डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे स्टेशन आपको डिस्टेंस दे रखा है टू फाइव टू नाइन टू था और आपको टाइम पता है टाइम कितना लगा है उसको ट्वेंटी फोर आवर्स प्लस ट्वेंटी फोर आवर्स क्योंकि सेम टाइम पे पहुंची है है ना और इन्होंने बोला टू डेज में तो मतलब फोर्टी एट आवर्स का टाइम है ठीक है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस ये आपको दे रखा है टाइम ये आपको 48 एट आवर्स पता है लगाओ डिवाइड करो और आंसर बताओ मैं आपको वैसे इसका करेक्ट आंसर बता के जा रही हूँ इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा लेकिन आपको खुद भी इसे सॉल्व करना है ठीक है और मुझे खुद सॉल्व करके आपको देखना है वैसे इसका आंसर अगर करेक्ट है आपको चेक करने के लिए चाहिए तो फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड है ठीक है क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आंसर दे रखा है तो किलोमीटर पर आर को आपको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना होगा और वो आपको चेंज करना करना आता होगा मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं द स्टेट इन विच द घना नेशनल पार्क इज लोकेटेड आपको वो स्टेट बताना है जिसमें ये आपका घाना नेशनल पार्क जो है वो स्थित है क्या है सही आंसर घना घाना जो भी कहते हो इसे तो ये हमारा राजस्थान में है ठीक है अगर नहीं पता तो इसको दिमाग में भर लो ये राजस्थान में है ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं वट काइंड ऑफ हाउसेज शुड द विज लिविंग इन द रिजन विदी रेन अब आपको पता है यार जिस जगह पे बहुत ज्यादा बारिश होती है उस जगह पे कैसे घर चलते हैं वहां पर जो चलते हैं घर वो कैसे होते हैं यार वो ना उस पे होने चाहिए मतलब जो आपके होते हैं आ, बैंबू स्टिक्स है उनपे होने चाहिए बैम्बू पिलर्स पे ताकि वो ना वो ना हो जाए मतलब की जब बारिश आए बाढ़ आए तब वो बह ना जाए तो इट्स ट्रू यहाँ पे ये आपकी स्टेटमेंट एकदम सही लिख रखी है हाउस ऑन स्टिल्स स्लोपिंग पिलर ठीक है ये आपका सही है क्योंकि क्या होगा ना जब अगर ऐसे ना ऐसे वुडन हाउसेस बनाएंगे फ्लैट रूफ के तो वो तो बह जाएंगे बारिश के साथ बाढ़ के साथ या फिर बैम्बू हाउस बैम्बू की उससे हाउस बनाएंगे तो भी कोई सेंस नहीं है नाउ द पिक्चर प्लांट विच कैन ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट एंड इवन फ्रॉग्स इज ऑल्सो फाउंड इन वन ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आर कंट्री आपको बताना है उसका नाम बड़ा सुंदर सा ये हमारा स्टेट ईस्टर्न स्टेट है ठीक है नॉर्थ ईस्ट में और आपको बताना है कि यहाँ पर कहाँ पे ये हमारा मिलता है तो ये इसका है मेघालय पिक्चर प्लांट है पिक्चर प्लांट पता है कौन सा होता है इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है जो अपने अंदर ऐसे उसका वो, वो होता है लीफ उस पर लगी होती है उसके ऊपर कोई भी बैठता है तो वो उसको ट्रैप कर लेता है तो ये हमारे इंडिया में भी पाया जाता है वो भी मेघालय में नाउ द क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट्स ऑफ टू चिल्ड्रन वर असेवन अब जो क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट है दो बच्चों की दे रखी आपको. है आपको आरती है एज 12 इयर्स है हीमो, हीमोग्लोबिनिस का 10.5 uh, ग्राम पर डीएल uh, है और नमन का है 12 इयर्स uh, का है वो मेल है और उसका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम पर डीएल है तो कौन एनीमियाक है आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपका 73 ठीक है तो देखो अनिमिक ना दोनों ही है क्योंकि आपका जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है ना उसका होता है ट्वेल्व से सिक्सटीन के बीच में होना चाहिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन तो अगर आ, ये कम है, है तो दोनों में ही ब्लड की कमी है बोथ आर अनिमिक ठीक है ऑल दो कंसिडर करते हैं कि गर्ल्स में हीमोग्लोबिन स्टिल कंपैरेटिवली कम होता है लड़कों से बट टेन पॉइंट फाइव और एट तो ट्वेल्व और सिक्सटीन के से बहुत ही नीचे है तो ये दोनों ही अनियमित है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम भरते हैं अब आगे सेवेंटी फोर कंसिडर अबाउट अल बिरूनी अ ट्रेवलर हु विजिटेड आर कंट्री ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं इसके लिए uh, एक ट्रैवलर के बारे में तो आपको इनको देखना है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पर ये दे रखा है आपका कि एलबिरनी विजिटेड इंडिया मोर देन अ थाउजेंड ईर्स अगो ये आपके ना ईवीएस में एक उसमें से है ये तो इसलिए टेक्स्ट बुक का मटेरियल है ये ही रोट अबाउट दोज थिंग्स ऑफ आर कंट्री दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम थिंग्स इन हिज ओन कंट्री स्पेशली द पॉइंट फॉर स्ट्रॉन्ग वाटर ट्रू वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट आर हिस्ट्री फ्रॉम हिज राइटिंग्स यस तो ए बी सी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट ठीक है अब देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको कितनी देर लगेगी आप देखते ही उनके आंसर टिक कर दो आपने उन क्वेश्चन को पहले एनकाउंटर कर रखा है आपको उनके आंसर पता है सो so, ये फायदा होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स करके जाने का कि आपको पता होता है क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और कैसे उन क्वेश्चन को टैकल करना है ठीक है तो आई होप आपको अब तक सेशन अच्छा लग रहा हो आगे के क्वेश्चन भी हम करेंगे लेकिन उससे पहले प्लीज आप सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो अगर अब तक नहीं किया है बिकॉज अगर मैं इतना कर रही हूँ आप लोगों के लिए तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप थोड़ा सपोर्ट शो करोगे ठीक है नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फर्स्ट पीप अ मॉस्किटो स्टमक एंड प्रूव दैट द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया कौन सा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फर्स्ट पीप इंटू किसने सबसे पहले मॉस्किटो के स्टमक में घुस करके देखा था कि uh, जो मॉस्किटो uh, uh, मतलब स्प्रेड कर रहा है ये ही मॉस्किटो है जो मलेरिया स्प्रेड कर रहा है और उसको उसके बाद नोबेल प्राइज भी मिला था उसकी डिस्कवरी डिस्कवरी के लिए नाउ अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो यहाँ पे हमारे रोनाल्ड रॉस थे जिनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था और इन्होंने लिटरली ये बहुत ही uh, अच्छा काम किया था अदरवाइज किसको पता लगता कि मलेरिया कैसे हो रहा है ठीक है तो रोनाल्ड रॉस इज ए राइट आंसर नेक्स्ट इज इन एनवायरमेंट स्टडीज अ और अप्रोच हैज बीन अडॉप्टेड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स बिकॉज अब आपको पता है इन्वायरमेंटल स्टडीज में ईवीएस में हमारी थीमेटिक अप्रोच है ठीक है टॉपिक्स की जगह थीमेटिक अप्रोच है वो क्यों है क्योंकि वो इनेबल करती है कनेक्टेड और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल इट इनेबल्स ईजियर टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट इनेबल्स द ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास इट स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ये है. आपको लग रहा है कि बी और सी में से कोई एक तो है जिसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि कोई एक तो है इनमें से जो बहुत ही गलत चीज़ बोल रहा है

बच्चे हैं वो रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं ठीक है थीके? और उन्होंने पोल्यूशन का नाम पहले सुना नहीं है हेंस उनको डिफिकल्टी आ रही है इस चीज को समझने में तो निवेदता है कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेगी उनको इंट्रोड्यूस uh, करेगी उनको सबसे समझाने के लिए ठीक है लेक्चर करेगी ब्रेन करेगी प्ले थ्रू पॉपट करेगी या फील्ड विजिट करेगी सेवेंटी अब यहाँ पर क्या हो सकता है सबसे अच्छा तरीका ब्रेन स्टॉर्मिंग तो नहीं कर पाएगी वो क्योंकि अफकोर्स वहां पे उनको नहीं पता अगर इसके बारे में तो ब्रेन स्टॉमिंग वुड नॉट हेल्प देम तो यहाँ पे प्ले थ्रू पपेट्स करवा सकते हैं और फील्ड विजिट करवा सकते हैं इससे वैसे तो पता नहीं क्यों पॉल्यूशन पॉल्यूशन बढ़ाने के लिए लोग फील्ड विजिट कर रहे हैं बट छोटे छोटे बच्चों को क्यों कोई पॉल्यूशन कर के करीब लेकर के जाएगा ठीक है बट ऑफकोर्स मास्क वगैरह पहन के हो सकता है दिखाएं कि कैसा होता है सो बट आंसर के हिसाब से आपका आंसर के हिसाब से सी एंड डी आर राइट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम सेवेंटी क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर ऑन फ्रेंड्स एंड फैमिली चेतन डिसाइडेड टू टेक अ यूनिट टेस्ट ऑफ फ्रेंड्स अब एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने फ्रेंड्स और फैमिली वाला तो अब चेतन ने डिसाइड किया कि टेस्ट लेगा वो यूनिट टेस्ट बच्चों का अब कौन इस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट सुटेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग टेस्ट अब लेने का मेन ऑब्जेक्टिव और सुटेबल स्टूडेंट्स पास यहाँ पर एक चीज है जो नहीं होनी तीन ऑप्शन दे रखे तो ऑफकोर्स हमें एक को हटाना है ना तो डिक्लेयर हमें करना है बच्चे को पास और फेल वो भी सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाने के बाद यूनिट टेस्ट का तो यहाँ पे आपका एबीसी ऑप्शन चाहिए एबीसी ऑप्शन आपका सेकंड में सो योर सेकंड ऑप्शन इज राइट

वो स्टूडेंट जिसको क्लास में सबसे ज्यादा हाइएस्ट मार्क्स मिले हैं वो जो सबसे ज्यादा नटोरियस स्टूडेंट है इस क्लास का या फिर वो या फिर उसको छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना चाहिए और उनको बोलना चाहिए आप अपना लीडर खुद चूज करो या फिर उसको खुद को ही अपना लीडर, खुद ही लीडर बता देना चाहिए अपने हिसाब से चूज करके तो अफकोर्स सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही है छोटे छोटे ग्रुप बना दो और बच्चों को बोलो कि आप अपना लीडर चूज करो उससे उनमें एक डिसीजन मेकिंग वाला वो भी होगा एबिलिटी भी आएगी

जेंडर रोल्स के बारे में भी बात हो रही है यहाँ पे क्योंकि ये सारे के सारे जो काम है मोस्टली जो होते हैं वो गर्ल्स ही करती है तो अफकोर्स वो जानना चाहेगी टीचर कि उनके घर में अभी भी ऐसा है कि सिर्फ लड़कियां ही ये सारे के सारे काम करती हैं या फिर कोई और भी करता है ठीक है तो अफकोर्स यू वॉन्ट टू चैलेंज जेंडर रोल्स इन फैमिली रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स इन कुकिंग फूड यस ईटिंग हैबिट्स नहीं जाननी उसको आपकी फैमिली की क्योंकि uh, सवाल मेनली जो आप देख रहे हो सवाल वो अलग तरीके के और फैमिली शुड ईट टूर ये भी वो नहीं अभी अभी उसका ये समझाना है ही नहीं ठीक है कौन खाना बनाता है कौन लेकर के आता है तो इन सब चीजों से यही आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये काम कर कौन रहा है तो सी एर डी ऑप्शन आपको पता है कौन सा है थर्ड नॉ थर्ड इज योर राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग एटी टू क्वेश्चन पे शाम इन्फॉर्म से टीचर शाम ने इंफॉर्म किया अपने टीचर को ऑनलाइन क्लास में

खाना वाना नहीं होगा उनके पास तो इस बिहेवियर के शाम को कहाँ रिकॉर्ड करेगी उसकी टीचर ऑप्शन आपको दे रखे हैं ऑब्जर्वेशनल स्केड्यूल रेटिंग स्केल एनेक्डोटल रिकॉर्ड पोर्टफोलियो तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में करेगी क्योंकि उसमें आपकी सारी ब्रीफिंग होती है आपका हर एक चीज अच्छे से उसमें लेबोरेटेड फॉर्म में होती है ठीक है आपके बिहेवियर्स ऑब्जर्वेशन सब नाउ एटी क्वेश्चन इकबाल अ स्टूडेंट ऑफ गीताज क्लास इज विजुअली इम्पेयर एक बच्चा है इकबाल नाम का जो गीता की क्लास में है और विजुअली इम्पेयर है मतलब उसको दिखता नहीं है तो गीता ने ऑब्जर्व किया दैट ही इज़ नॉट कमिंग टू स्कूल सिंस पास्ट फ्यू डेज और वो अपने स्कूल आ भी नहीं रहे कुछ दो चार दिनों से तो उसने उसके पेरेंट्स से बात करी तो उसको समझ में आया कि उसको डिफिकल्टी हो रही है देखने में कि बोर्ड पे क्या लिखा है और इसीलिए वो क्लासरूम रूम प्रोसेस में इतना इन्वॉल्व नहीं होता और पार्टिसिपेट नहीं कर पाता अब उसको क्या करना चाहिए गीता को कि जिससे वो मोटिवेट कर सके इकबाल को कि वो स्कूल आए यहाँ पे अलाउ हिम टू लर्न फ्रॉम होम आस्क हिज पेरेंट्स टू कंसल्ट अ डॉक्टर प्लान प्लाना क्लासरूम प्ले विद अ रोल टू प्ले फॉर इकबाल ये सही है एकदम मेक इकबाल सिट इन फ्रंट सीट तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे अगर वो विजुअली इम्पेयर्ड है कोई दिक्कत है तो क्लासरूम प्ले विद अ रोल मतलब क्लासरूम प्ले भी कर सकते हैं उसके साथ यहाँ पे लिखा है मेक इकबाल सिट इन द फ्रंट सीट सो so, देखो विजुअली इम्पेयर्ड बोला है अगर वो बच्चा ब्लाइंड है तो उसको फर्स्ट सीट में बिठाने से भी कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा नई नई एक्टिविटीज जिससे कि वो अच्छा कर सके ठीक है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो आंसर की में है ना वो है लिखा हुआ है फोर्थ फोर्थ का में एक एक seat, तो लाइक uh, like, मेरे लिए तो थर्ड ऑप्शन ज्यादा बट आंसर की के नाउ नेक्स्ट इज एटी फोर्थ ऋषि इज प्लानिंग टू टीच थिंग्स वट वी मेक एंड डू ये एक, uh, में आपका एक है यूनिट uh, है उसको पढ़ाना चाहता है तो ही वो डिस्कस करना चाहते हैं कि सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है तो उसके लिए कौन सी सुटेबल uh, स्ट्रैटेजी है जो वो अडेप्ट करेगा सबसे बेस्ट होगी कि भाई हम सेकल्चर यूनिट में विजिट करवा दें बच्चों की सेरिकल्चर यूनिट वो होती है जहाँ पे आपकी सिल्क प्रोडक्शन होती है जहाँ पे आपकी uh, सिल्क बनती है एक्चुअली रॉ सिल्क बनती है आपके सिल्क मोथ से ठीक है तो वो पूरा जो एक उसका लाइफ साइकिल होता है उससे सिल्क बन रही है कोकून से वो सब उसमें होता है तो अगर हम विजिट करवा देंगे ईवीएस तो टीचर को क्या करना चाहिए उसको करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जो बच्चों के लिए फ्रेंडली हो बच्चों के ध्यान में रखते हुए हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दे आर नो टेक्स बुक्स ऑफ ईवीएस फॉर क्लास वन एंड टू दिस इज बिकॉज यहाँ पे कोई टेस्ट, टेक्स्ट बुक नहीं है ईवीएस की क्लास वन और टू वाले बच्चों के लिए ये क्यों दिस इज बिकॉज एनवायरमेंटल कंसेप्ट आर डिफिकल्ट टू टीच स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास एंड एनवायरमेंटलोज है राइट फर्स्ट और सेकंड में ना हम इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स जो होते हैं ना उसको लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू मतलब इंग्लिश हिंदी और मैथ्स के थ्रू पढ़ा देते हैं तो अलग से इतना हासिल करने की जरूरत नहीं है कि ईवीएस बच्चों को अलग से जब वो थोड़े समझदार होने लग जाते हैं तब हम उन्हें ईवीएस अलग से थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ला देते हैं ठीक है अब नाउ रमेश प्लांट्स अ प्ले फॉर द फॉर द क्लास फिफ्थ एज द मेथड ऑफ टीचिंग एनिमल्स वॉट शुड ही डू अब वो एक मेथड निकालना चाह रहा है जिससे बच्चे एनिमल्स मतलब पढ़ाना है उसको एनिमल्स वाला चैप्टर तो वो कैसे पढ़ाएगा उसे ठीक है प्ले करा है उसने प्लान करा है प्ले तो अब प्ले प्लान करने के बाद लाइक रोल प्ले जो होता है तो वो क्या शुड ही डू अब नेक्स्ट करेगा एक ऑलरेडी रिटर्न प्लान लेगा और उसको लाइक uh, प्ले like, को डायरेक्ट करेगा या फिर राइट करेगा खुद से लिखेगा उसे और फिर डायरेक्ट करेगा या फिर बच्चों को बोलेगा तुम लिखो और खुद तुम इनेक्ट करो या सर्च करेगा एक ऑलरेडी इनेक्टेड प्ले को मतलब ढूंढेगा तो बच्च सबसे अच्छा तो यही होगा ना कि वो बच्चों को ही बोले कि आ, मतलब आप वो करो बट छोटे बच्चे फिफ्थ क्लास के बच्चे तो प्ले लिख भी लेंगे फिफ्थ क्लास के बच्चे हैं तो ये स्टूडेंट्स को सबसे सही होगा यहाँ पे कि स्टूडेंट्स को बोलो आप प्ले लिखो और आप उसे इनेक्ट करो क्योंकि फिफ्थ क्लास के बच्चे कर सकते हैं अब डिस्कस यहाँ पे क्वेश्चन है आपका डिस्कस करना है डिस्कस कर रहे हैं हम वॉटर तो शिवांगी ने देखा कि उसकी क्लास के फर्स्ट स्टूडेंट ने स्काई ड्रॉ किया है तो सैम कलर स्काई ग्रीन तो सैम ने क्या करा है स्काई को ग्रीन कलर कर दिया है और आस्किंग व्हाई ही हैज चोजेन दिस कलर ही रिप्लाइड पॉन्ड नियर हिज होम इज ग्रीन एंड सिंस वाटर कम्स फ्रॉम स्काई स्काई मस्ट बी ग्रीन तो बच्चे ने बोला कि उसके घर के पास वाला जो पॉन्ड है वो ग्रीन है और क्योंकि पानी आसमान से आ रहा है तो आसमान भी ग्रीन ही होगा तो इस पे शिवांगी को क्या करना चाहिए अप्रिशिएट करना चाहिए उसको क्रिएटिविटी को उसको बताना चाहिए कि स्काई ब्लू है अरेंज करे स्काई की ऑब्जर्वेशन और या फिर बज, उसको बोल दे कि स्काई ब्लैक है तो यहाँ पर उसको अरेंज करनी चाहिए बच्चे के लिए स्काई की ऑब्जर्वेशन की वो स्काई को देखे उसको पता लगेगा का स्काई कभी ग्रीन कलर का होता नहीं है स्काई हमेशा ब्लू होता है ठीक है कभी कभी ऑरेंज वगैरह वो बारिश वारिश में थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है ठीक है नाउ बट फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ फॉर ईवीएसएस फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर ईवीएस वो क्या है ठीक है आपको ये बताना यहाँ पे दो तीन ऑप्शन दे रखे हैं तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर ईवीएस है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है असेसमेंट एज लर्निंग है ठीक है और असेसमेंट अबाउट लर्निंग नहीं है असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी नहीं है क्योंकि हमने फॉर लिख रखा है तो आपका ए एन सी आर राइट ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन सर हमारा इसी के साथ ये आपका खत्म हो जाएगा आ, ये पूरा की पूरा आपका ईवीएस का ठीक है तो इसी के साथ मैं आपको दोबारा मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ तो क्वेश्चन खत्म करने से पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो वहां पे इजी uh, रहेगा क्योंकि मैं जैसे ही लेक्चर लेकर के आऊंगी आपको पता होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपको ये लेक्चर देखना है तो आपकी प्रिपरेशन के लिए मतलब सरदर्दी खत्म होगी ना ना विच आर टूल कैन बी यूज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस में कौन से टूल को आप यूज कर सकते हो फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट तो ईवीएस में एज अ टीचर आप एनेक्टोटल एनी टोटल रिकॉर्ड को यूज कर सकते हो ठीक है आ, सबसे बेस्ट वही रहेगा तो यहाँ पे आपके सेशन का ये खत्म होता है पूरा के पूरे थर्टी क्वेश्चन आपको उम्मीद करती हूँ ये अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना मिलता है अगली वीडियो के साथ टिल देन गुड बाय